तिवारी जी, ये वो जगह है जहां पर हमें मंगल की डेड बॉडी मिली। इस जंगल से हमें पुलिस स्टेशन आने में लगे हैं करीब 15 से 20 मिनट। तो इसका मतलब मच्छर जी 15 से 20 मिनट दूर गए, यानी टोटल डिस्टेंस 5 से 6 किलोमीटर दूर अप्रोक्सीमेटली। सर, आपको सच में ऐसा लगता है कि मच्छर जी ने जब आपको कॉल किया तो वो मंगर के साथ ही थे? हाँ तिवारी जी, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि करीब करीब 6 से 8 घंटे पहले मंगर सिंह गायब हुए थे और मंगर के साथ मच्छर जी को भी उठा लिया गया, उनकी भी किडनैपिंग हो गई। किसी तरह मच्छर जी वहां से भाग निकले और साथ में मंगर को भी अपने ले गए। किलर ने उनका पीछा किया, मंगर को बेरहमी से मार डाला और मच्छर जी को वापस अपने साथ ले गए। एक लेडी ने हमें बताया कि उन्हें किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी थी और मच्छर जी का भी कुछ पता नहीं था, और उन लेडी का घर है यहाँ पर, बिंदु का घर है यहाँ पर। यानी जहां से चीखने की आवाज आई थी वहां से बिंदु का घर पास में है। इसका मतलब वो हमेशा से बिंदु ही थी। बिंदु, बहुत हो गया, सामने आओ तुम। बिंदु, हम तुम्हें वार्निंग दे रहे हैं, मच्छर जी को छोड़ दो, छोड़ो, लीव। बिंदु, तुम अपराध को रोक सकते हो, विधान को नहीं। लौट जाओ। गलती हमारी है, हमने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, हमें लगा तुम हमारी मदद कर रही थी, पर तुम पीठ पीछे लोगों को मार रही थी और वहां अंधेरे में हम किलर को ढूंढ रहे थे, जबकि सच सच हम देख ही नहीं पाए। ये सच है जो हम देख रहे हैं। देख तो तुम अब भी नहीं पा रहे। सच को देखना और सच को समझना दोनों अलग चीजें होती है कमिश्नर साहब। जितना उसको समझने की कोशिश करोगे उतना ही अंधेरों में लुप्त होते जाओगे। अब भी वक्त है, लौट जाओ। बिंदु, नहीं, बिंदु प्लीज, मच्छर जी को छोड़ दीजिए। बिंदु, बिंदु हम गोली चला देंगे। बिंदु प्लीज, बिंदु, बिंदु। मच्छर जी, मच्छर जी, मच्छर जी, मच्छर जी, मच्छर जी, आंखें खोलिए, मच्छर जी हमें, मच्छर जी।
हम अच्छे जी को संभालिए। बिंदु चलो। मौसम अचानक कैसे बदल गया? इतना अंधेरा क्यों हो गया? हम उसे महसूस कर सकते हैं। ये चिल्लाते हुए कौवे अपशगुन है। दशरथ सर फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? गुजरता हुआ एक एक मिनट तुम सबकी उम्मीदें खत्म कर देगा। ये 24 घंटों में वो डायन ऐसी तबाही मचाएगी जो इस गांव ने कभी नहीं देखी। सुनो, ये नौटंकी बंद करो, हम पे इनसे कोई असर नहीं होगा। चलो चलो लेकर चलिए। अंदर डालिए। हम पे डायन का ठप्पा लगाकर तुम पूरे गांव को डायन के हवाले कर रहे हो। जेल में डालकर तुम सबको मुसीबत में डाल रहे हो। डायन आ रही है और इस बार पहले से ज्यादा शक्तियां लेकर। सिर्फ चमकिया की तबाही चाहती है और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है। सिर्फ हम उसे ढूंढ सकते हैं। हमें जाने दो। सुनिए, ये कोई भी नाटक करे, गिड़गिड़ाए, इसकी बात में नहीं आना है, समझ रहे सब लोग? और इसकी आंखों में नहीं देखना है। जो गलती एक बार कर चुके हो दोबारा नहीं करनी है। नडाली चलिए। गलती कर रहे हो, अगर हम नहीं गए तो वो सबको मार देगी। डायन को हमने जेल के अंदर डाल दिया। कोई डायन वायन नहीं है, सब नाटक है। क्या होगा 24 घंटे में? और ये 24 घंटे क्या है? क्या है 24 घंटे? बहुत पंचुअल है क्या डायन? हाँ, कि 24 घंटे के बाद आएगी। अगर उसको आना होगा वो अभी भी आ जाएगी, अभी भी सब कुछ खत्म कर देगी वो। हाँ, एक्चुअली वो क्या करेगी? हम करेंगे। 15 मिनट बाद 10-29 होने वाले हैं, उसके बाद हम जाएंगे, अनाउंसमेंट करेंगे पूरे गांव में कि कोई डायन वायन नहीं। और जो डायन है, जो डायन होने का नाटक कर रही है, उसको हमने अंदर डाल दिया। अब हम बाहर देखते हैं कौन सी डायन आती है। रुक जाओ, ये गलती मत करो, तुम बहुत पछताओगे, खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। वो किसी को नहीं बख्शेगी। देखते हैं।